हाँ सर, अपने नाम से शुरू करेंगे और ये बताएंगे जो आज मासिक बैठक रखेंगे ये किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सर, मैं विनोद शर्मा, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी। आज यहाँ उधमपुर में हमारी मासिक बैठक जो है वो हुई है, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जोनल प्रेसिडेंट्स ने हिस्सा लिया है। और आज मैं आपके माध्यम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सब लोगों को, सब देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे जितने भी मसले हैं, जिन मसलों को हम टाइम बाय टाइम उजागर करते रहे हैं, उन मसलों की तरफ ध्यान देकर उनको सुलझाने का एक जो है वो सुलझाएंगे। और मैं दूसरा ये कहूँगा, जो आज मीटिंग में डिस्कशंस हुई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो उभर कर बात आई है ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके, कि जब हम लोग रेगुलराइज हो जाते हैं एज ए जनरल लाइन टीचर और उसके बाद भी 22-23 साल हमें एक ही जगह पे काम करना पड़ता है, तो वो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने एक शुरुआत की थी, पहल की थी, वो पहल जो है वो कामयाब होगी और ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में अर्सवाइल हमारे SSA के तहत, RTE की स्कीम के तहत जो लोग लगे थे वो लोग आएंगे, हमारे 5 साल का जो पीरियड है उसको सर्विस रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा और जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको स्क्रैप करके इसको रिप्लेस किया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ, जो एक मुलाजम का जो है वो एक मैं कहूँगा कि उसकी उम्मीद रहती है आफ्टर रिटायरमेंट। और उसके बाद भी मैं एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि पिछले दिनों एक ऑर्डर आया जिससे एक फील्ड में एक बहुत बड़ा पैनिक टीचर्स में है कि ये डेडवुड का जो नाम है वो लेकर के हमें कहते हैं कि टीचर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं होना चाहिए। एक टीचर जो आप देखेंगे कहीं भी आप चले जाइए, एक रेस्पेक्ट जो है वो मिलती है उसको, और काम भी जो है वो रेस्पेक्टफुली ही वो काम भी करता है। कोविड के दौरान आप देख लें, यहाँ आप देखेंगे वहाँ, यहाँ कोई नहीं गया, यहाँ स्टाफ की कमी थी, वहाँ पर टीचर ने जाके काम किया है। कोरोना के दौरान यहाँ रिश्तेदार एक दूसरे को नहीं देखते थे, वहाँ जाके टीचर ने वैक्सीनेशन ड्यूटी दी है, टेस्टिंग की है। आज अगर आप प्रवेश द्वार लखनपुर में चले जाएँ, कटरा के रेलवे स्टेशन में चले जाएँ, आज भी हमारे शिक्षक वहाँ पर काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो आदमी लापरवाही अपने काम के साथ करता है उसके साथ आपने जो भी व्यवहार करना है, जो भी एक्शन लेना है वो आप लीजिए, लेकिन जनरली एक ऑर्डर इस तरह का निकाल के वो पैनिक ना फैले, तो उसकी उसको आप क्लियर भी कर दे, ताकि एक टीचर जो है शिक्षक स्कूलों में अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए, चिंता मुक्त होकर पढ़ा पाए।